हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्हाट्सअप। कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। दिस इज गोना बी माय फर्स्ट व्लॉग इन कार। इससे पहले सब कुछ मोटो व्लॉग से ही होता था। मैंने लिया है टाटा पंच एकॉम्प्लिश डैजल। एक महीना हो चुका है, एक महीने से ज़्यादा हो चुका है लगभग। तो हम लोग आज जा रहे हैं इसका सर्विसिंग करवाने। फर्स्ट सर्विस का डेट ड्यू नहीं हुआ है, फिर भी मेरे को नेक्स्ट वीक में एक लॉन्ग ट्रिप में निकलना है, इसलिए मैं इसका सर्विसिंग आज ही करवा लेता हूँ। क्योंकि दूसरा कुछ काम जो है वो करवा सकते हैं, गाड़ी का जितना सारा एक्सेसरीज वगैरह पार्ट्स वगैरह है। आज मेरे को थोड़ा टाइम मिला है, लॉन्ग वीकेंड है, यूके हॉलीडे, सो मैं इसको आज काम करवा लूँगा। टोल गेट में लगभग 10 मिनट से ज़्यादा मेरे को वेट करना पड़ा, क्योंकि आगे बहुत सारे गाड़ियाँ थी। ये टोल गेट वाले जो अपना टांगी में जो टोल गेट है, ये टोल गेट वाले बहुत ज़्यादा लोचा करते हैं यार। मतलब लेन सारा खुला रखना चाहिए, प्राइवेट गाड़ियाँ जैसे जा सके। कोई बात नहीं, 10 मिनट लेट हो गया। मेरे को पता नहीं ये गोप्रो में लाइटिंग कैसा आ रहा होगा, क्योंकि मेरे को दिख रहा है स्क्रीन में, MID जो है अपना छोटा सा स्क्रीन है, उसमें मेरे को थोड़ा ब्लैक सा दिख रहा है। अभी मैं पहुंच चुका हूं टांगी में। टांगी से जो सेंट्रल टाटा पहाड़ों में, वहां तक पहुंचने के लिए कम से कम तो 40 मिनट्स लगने ही वाले हैं, का कुछ कर नहीं सकते। बहुत सारे दोस्तों ने मेरे को बोला कि टाटा पंच का रिव्यू वीडियो क्यों शूट नहीं करते हो। यार, रिव्यू वीडियो शूट करने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए और थोड़ा टाइम भी चाहिए, सब कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए पीसफुल जगह एक चाहिए। हमारे घर में तो कंस्ट्रक्शन चालू है, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला। अभी आज का ये सर्विस वाला वीडियो बनाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कितना क्या कॉस्ट आता है। फर्स्ट सर्विस में फ्री सर्विस तो बोलते हैं, लेकिन कुछ चार्जेस भी रहता होगा। दिस इज़ माय फर्स्ट कार, तो कार सर्विस के ऊपर मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है। जो कुछ भी एक्सपीरियंस लूँगा आज, माय फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। जितना भी रश हो, हम जितना टाइम में पहुंचना चाहिए उतना टाइम में पहुंचते हैं बाइक लेके, लेकिन कार का यही दिक्कत है, आप चाह के भी पहुंच नहीं सकते क्योंकि सामने आपके गाड़ी रहेगी। चलिए, बातें तो होती रहेंगी। हम लोग अभी चलते हैं सेंट्रल टाटा पहाड़ों। यहाँ से और लगभग 45 या 50 किलोमीटर्स के ऊपर, 50 किलोमीटर्स के आसपास रहेगा। तो यहाँ पर रोड्स में जो स्पीड सेंसिंग कैमरास लगे हुए हैं, 80 से ऊपर जाओगे तो आपका चालान कटेगा ही कटेगा, इसीलिए वहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन करके जाना पड़ता है और टाइम भी हम लोग को ज़्यादा लगता है। मैं पहुँच चुका हूँ शोरूम के पास। टाइम अभी हो रहा है 8:35 AM इन द मॉर्निंग। तो चलिए देखते हैं सर्विस सेंटर खुला है कि नहीं है। टाटा सर्विस स्टेट तो सर 8 किलोमीटर जीवा पर पड़ी। कौन जगह? गुगुनानी। इठी होनी सर्विस इठी टाटा का कमर्शियल रेट है। सेंट्रल टाटा इटा तो नहीं है। सेंट्रल टाटा नो गुगुनानी जीवा पड़ो। गुगुनानी अभी मैं सर्विस में आके पहुंच चुका हूं। गाड़ी बस एंट्री करवानी है, पता नहीं मेरे सामने और कितने गाड़ियाँ रहेंगी, चलो देखते हैं। सिद्धांत आगुरु बुक करिया पड़ेगी। बुकिंग करने फास्ट सर्विस के फाइनली पहुंच चुका हूं टाटा सर्विस सेंटर में। उनको कहीं पे कुछ नहीं मिला, डीओ ने आना पड़ा फाइनली मुझे बहुत दूर। जब भी हम लोग आके टाटा के सर्विस सेंटर में पहुंच चुके हैं, बस यहां पे गाड़ी लगाना है। गाड़ी लगा के मैं तुम्हें तो लंच वंच करना है, बहुत टाइम हो गया, खाना वाना नहीं खाया। एक्सेसरीज सब आप लोग ने देख लिया होगा ऑलरेडी, नहीं एक्सेसरीज का वीडियो अलग से बन रहा है, तो सारा एक्सेसरीज लोडेड है, बस फर्स्ट सर्विस कैसे करके करवाना है। यहाँ पे भी गाड़ी छोड़ के मेरे को 2 घंटे के आसपास यहाँ पे लग जाएगा। डिटेल में देखते हैं क्या कुछ सर्विस में करते हैं ये लोग और क्या कुछ चीज़ें इसमें होने वाली हैं, फर्स्ट सर्विस में कॉस्ट कितना आने वाला है।
अभी तक तो जॉब कार्ड भी नहीं बना है, जॉब कार्ड बनेगा फिर उसके बाद जाके सर्विस बे में गाड़ी लगेगा और वहाँ शुरू होगा अपना फर्स्ट सर्विसिंग। फाइनली मेरा फर्स्ट सर्विस जो था वो ख़त्म हो चुका है। फर्स्ट सर्विस ख़त्म करके लगभग मेरे को 7:30 बजे, शाम के 7:30 बजे के आसपास टाइम लग गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ थी। आपको तो पता ही होगा ऑलरेडी कितना ज़्यादा परेशानी हम लोग को हुआ। हमने 3 शोरूम्स विज़िट किया, फाइनली जहाँ से गाड़ी ख़रीदा था डियोन से, वहाँ पर जाके मेरे को सर्विस करवाना पड़ा। कोऑपरेटिव थे, सब कुछ सही था। अभी आते हैं गाड़ी पे क्या काम हुआ, फर्स्ट सर्विस में क्या काम हुआ। तो ऐसे तो बेसिकली मतलब नॉर्मली कुछ होता नहीं है फर्स्ट सर्विस में, खाली सब कुछ चेकअप वेकअप सब करते हैं 1000 to 2000 किलोमीटर्स में। फर्स्ट सर्विस के बाद वाला क्या एक्सपीरियंस है वो मैं अभी शेयर करूँगा आप लोग से। जब भी अपना डिजिटल वाटर फिल किए कूलेंट की जगह में, तो उसके बाद से मेरे को जो सेकेंड गियर में जो इशू हो रहा था, पुल करने के टाइम पे इशू मैं फेस कर रहा था, मेरे को फील हो रहा था, वो ऑलमोस्ट लगभग सॉर्ट हो गया है। तो नॉर्मल जो काम जितना रहता है लाइक नट बोल्ट चेक करना, बेरिंग्स चेक करना, डिस्क ब्रेक चेक करना, वो सब मैं वहाँ पे मतलब मैं खुद फ्लोर में रह के ही करवाया हूँ कि कुछ मिस ना हो जाए। उनसे तो कुछ मिस नहीं होता है, फिर भी अपने मन की तसल्ली के लिए मैं फ्लोर में भी गया था। ये उनका कॉम्प्लायंस इशू में भी हो सकता है, इसलिए मैंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया। और शाम हो रही थी उस टाइम पे, मैं भी जल्दी में था, वो लोग भी जल्दबाजी में थे, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, तो पावर भी नहीं था, तो लिफ्ट के लिए उन लोग को डीजी स्टार्ट करना पड़ा। तो सर्विस वाज गुड, सर्विस के ऊपर कोई कंप्लेन नहीं है। सर्विस के बाद वो लोग ट्रायल देते हैं कि आपका इशू शॉर्ट हुआ है या नहीं। मेरे को दिक्कत आ रही है अभी भी फर्स्ट गियर में। तो फर्स्ट गियर में मैं जब भी गाड़ी स्टार्ट करके फर्स्ट गियर डालता हूँ तो अपने आप थर्ड गियर डल जाता है। तो इट्स नॉट अ इशू विथ माई ट्रांसमिशन, ये इशू है गियर नॉब में, जो कि गाड़ी खरीदने के टाइम पे ज़्यादा नहीं लग रहा था। 500 किलोमीटर चलाने के बाद हमारे यहाँ पे जो लोकल एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्स्ट सेकंड गियर में गाड़ी चलती है। तो यहाँ पे मेरे को फील हुआ कि मतलब गियर थोड़ा टाइट है, फर्स्ट गियर इज टाइट है, सेकेंड गियर थर्ड फोर्थ फिफ्थ गुड, मतलब उसके ऊपर कोई कंप्लेंट नहीं है, लेकिन फर्स्ट गियर अभी भी थोड़ा जाम है। तो उन लोग ने तो कुछ खोला वोला नहीं, बस चेक किया और ट्रायल में मेरे को दिखा दिए कि फर्स्ट गियर डल रहा है। लेकिन मैं जब ट्रायल किया फिर से उनको ये दिखाया कि फर्स्ट गियर कैसे ना डल के थर्ड गियर पे चले जा रहा है। तो मेरे ड्राइविंग में कोई इशू नहीं है, इशू गाड़ी में है, मतलब गियरबॉक्स में है। गियरबॉक्स थोड़ा फ्री होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। यार मेरे को जो प्रॉब्लम्स हुई, जो 3 शोरूम मेरे को घूमना पड़ा, इस वजह से कि क्योंकि मेरे को बताया नहीं गया था कि फर्स्ट सर्विस आपको शोरूम को पहले कांटेक्ट करके बुक करके करना पड़ता है। इतना ज़्यादा गाड़ियाँ थी, लकीली वहाँ का जो मतलब कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे, वो मेरे लिए सर्विस मेरे लिए अरेंज कर दिए, तो इसलिए सर्विस हो गया, सही से सर्विस हो गया। और एक दूसरा चीज़ है, मेरे साथ एक बड़ा सा स्कैम भी हो गया है, वो भी मैं आप लोग को बताऊँगा। अभी हम लोग बात करेंगे कि फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट कितना आता है। फर्स्ट सर्विस तो फ्री सर्विस होता है, एक्चुअली ये फ्री है या नहीं है तो ये हम लोग चेक करेंगे। ये एक 2-4 शीट्स मेरे पास है, ईयर्स मेरे पास है, तो बिल उन लोग ने दे दिया है। इसमें मेरे को आया है खर्चा, लेबर चार्ज, ये देख लीजिए, अगर नज़दीक से देख लीजिए, लेबर चार्ज में 0 0 है, 0, एंड यहाँ पे 21 रुपीज़ है। और ये 21 रुपीज़ क्यों है, क्योंकि मैंने एक वो डिस्टिल वाटर का बॉटल लिया था अपना कूलेंट में डालने के लिए, तो वो भी मेरे डिग्गी में ही पड़ा हुआ है।
टोटल 25 रुपीज़, मतलब 21.19 रुपीज़ है, उसके ऊपर टैक्स लगता है 3 रुपीज़ 81 पैसे, सब कुछ सारे चीज़ों में टैक्स है यार। तो यहाँ पे सारा डिटेल्स अपना लिखा हुआ है कब सर्विस हुआ था। 1434 किलोमीटर चलने के बाद मैंने गाड़ी का सर्विस, फर्स्ट सर्विस करवा लिया, क्योंकि नेक्स्ट वीक शायद से, श्योर नहीं है, शायद से हम लोग को कहीं दूर जाना है, तो इसलिए मैं गाड़ी को रेडी कर दिया और मैं खुद रेडी हो गया, ताकि अगर हम लोग का प्लान बने तो हम लोग जा सके। तो अगर कुछ जानना है, कोई डाउट्स वगैरह है, तो डाउट्स तो होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि आप अगर टाटा का गाड़ी ओन करते हो, नेक्सॉन हो गया, पंच हो गया, अल्ट्रोज हो गया, क्योंकि तुम लोग जो देख रहे हो बहुत सारे मेरे दोस्त हो इसमें से, तो इसलिए तुम्हारे लिए बना रहा हूँ ये वीडियो, ताकि तुम लोग परेशान ना हो और तुम लोग को प्रोसीजर पता चले। सो फर्स्ट सर्विस कंप्लीट होने के बाद गाड़ी का फीडबैक कैसा है, माइलेज भाई कैसा है, ये सब भाई मैं चला के थोड़ा, मतलब गाड़ी को थोड़ा चलाऊंगा, टैंक टू टैंक मतलब मेजरमेंट करूंगा, तभी मेरे को पता चलेगा। तो अभी तक सर्विस से पहले का जो एवरेज गाड़ी निकाल के दे रही है, सिटी प्लस हाईवे प्लस ये गांव वाला जो रोड है, ये सब मिला के मेरे को 14.5 के आसपास और 15 के आसपास मेरे को एवरेज मिल जा रहा है। एमआईडी नहीं, एमआईडी से नहीं बोल रहा हूँ, टैंक टू टैंक करके बोल रहा हूँ। तो एमआईडी में तो कभी कभी 26 भी दिखा देती है हाईवे पे, आप लोग भी ऑलरेडी देख देख चुके होंगे कि कितना माइलेज देती है गाड़ी। क्या टेक्निकल चीज़ें होंगी वो मेरे को उतना आइडिया नहीं है, लेकिन हम तो भाई टैंक टू टैंक मेजर किए, इतना किलोमीटर में इतना लीटर पेट्रोल खाया तो उसको डिवाइड कर दिए, तो मेरे को 14.5 14.9 के आसपास माइलेज आएगा, 14 पकड़ के चलिए। एंड एक और प्रो टिप, मतलब मेरे को कल सर्विस सेंटर में ही बताया गया, क्योंकि ये टाटा पंच में सारा जितना मॉडल है किसी में भी, मतलब फोर व्हील्स में डिस्क ब्रेक नहीं है, पीछे का दो है ड्रम ब्रेक और फ्रंट का दो डिस्क ब्रेक है। तो हम लोग जब जो पार्किंग ब्रेक, जब हैंड ब्रेक मतलब अप्लाई कर देते हैं तो पीछे का ब्रेक में अप्लाई हो जाता है। तो मेरे को शोरूम ने कल बताया कि गाड़ी जब मतलब सबमर्ज हो जा रहा है, मतलब जो व्हील है वो अगर पानी में घुस के गया है, या फिर आपको पता है कि पानी में घुस के गया है, इसमें पानी लगा होगा, तो आप लोग वो हैंड ब्रेक का यूज़ ना करिएगा। मतलब वो बोले कि उसमें एक थोड़ा एक सॉफ्ट सॉफ्ट आयरन के टाइप का मटेरियल होता है, तो उन्होंने बोला कि मतलब अगर भीग चुका होगा गाड़ी तो एक ईंट पत्थर रख दीजिएगा चक्के के नीचे, बट ये हैंड ब्रेक यूज़ मत कीजिएगा, कि आप अब हैंड ब्रेक लगा के छोड़ दिए एक रात तो दूसरे दिन आप लोग हैंड ब्रेक तो रिलीज़ कर देंगे, हैंड ब्रेक रिलीज़ हो जाएगा, लेकिन गाड़ी आप जब चलाने का ट्राई करेंगे वो चलेगा तो नहीं, वो जाम हो जाता है, वो भी एक मोटा सा खर्चा है। बहुत सारे गाड़ियाँ मतलब बारिश के सीज़न में बहुत ज़्यादा होता है, तो उन्होंने मेरे को इसका सजेशन इसलिए दिया है। सो बस यही था आज का वीडियो, आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगा होगा, आप लोग के लिए ऐसे बेहतरीन वीडियोस हम बनाते रहेंगे, लाते रहेंगे। टाटा पंच के रिगार्डिंग आपको कुछ भी अगर क्वेश्चंस है, कुछ भी अगर डाउट्स है, मेरे को आप डायरेक्ट यूट्यूब में कमेंट कीजिए, या फिर मैं यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम का आईडी भी दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके चेक कर सकते हैं, और मेरे को डायरेक्ट इंस्टाग्राम में रीच आउट कीजिए, मेरे को मैसेज कीजिए, मैं हर कोई को रिस्पॉन्ड करता हूँ। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जितना गाड़ी के बारे में डिटेल्स रहता है मुझे थोड़ा आइडिया रहता है, क्योंकि मैं रिसर्च करता रहता हूँ और अपना चॉइस खुद करता हूँ, किसी के बायस्ड ओपिनियन पे जाता नहीं हूँ। तो आप लोग भी मेरा ओपिनियन ले सकते हैं, मतलब अगर आपको कुछ पूछना है या फिर कोई डाउट है तो आप लोग डेफिनेटली मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। मेरे गाड़ी में मैंने फुल ऑन एक्सेसरीज डाल रखा है, मतलब एक्सेसरीज का जितना भी कुछ लग सकता था गाड़ी में, बेसिक जितना चाहिए एक गाड़ी में, उतना और उससे थोड़ा ज़्यादा मैंने करवा लिया है। आप लोग को वो वीडियो भी ये वीडियो के बाद ही आएगा। सो एज आप लोग बने रहिए चैनल पे, बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू रियली एन्जॉयड दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। हैव अ गुड डे, बाय बाय।